हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम 8 और 9 दिसंबर को होने वाला है। ये एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को भी होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए और दूसरे सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हैं ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं और इनके थ्रू निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद मिलेगी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से आप एंड तक देखिए, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, दो सेंटेंस दिए हैं, एक फिलर ये दिया है और एक फिलर ये दिया है, ये दो फिलर दिए हैं, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में एक कॉमन वर्ड आएगा इन सभी में से, तो उस कॉमन वर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है और कॉमन वर्ड जो है वो दोनों ही सेंटेंसेस में मीनिंगफुली और सूटेबली फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं द इंक्रीज्ड कॉस्ट ब्रॉट मैनी। देखिए किसी भी चीज़ की जब आप कॉस्ट बढ़ाते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव तो आएगा नहीं, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। किसी भी चीज़ की आपने कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, डीजल की कीमत बढ़ाई, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर एक नेगेटिव वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड क्या हो सकता है, देखिए आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स रिजल्ट्स होते हैं, चेंजेस रिजल्ट्स होते हैं, मॉडिफिकेशन चेंजेस होते हैं, रिपरकसन को हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में कॉन्सिक्वेंसेस एकदम सूटेबल है और फर्स्ट में जब सूटेबल है तो सेकेंड में भी ये ऑटोमेटिकली सूटेबल हो जाएगा। Anyone fearing repercussions from the circumstantial evidence merely has to tell their story to the anyone fearing circumstances, मतलब कोई भी व्यक्ति जो इस चीज़ के परिणाम के वजह से डर रहा है, from the circumstantial evidence merely has to tell their story, केवल उसको अपनी स्टोरी DA को बतानी है, ये इसका मतलब निकल रहा है, ठीक है। एनी वन फियरिंग रिपरकसन्स, किसी व्यक्ति को यदि रिपरकसन से डर लग रहा है तो उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की स्टोरी केवल DA को बतानी है, ये सेंटेंस का मतलब है। और रिपरकसन्स जो है वो फर्स्ट में भी सूटेबल है और सेकेंड में भी सूटेबल है। तो ये डबल फिलर्स के क्वेश्चन इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक PO में, बैंक प्री में, बैंक क्लर्क में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट अ वर्ड ही लिफ्टेड हर इन टू हिज आर्म्स एंड कैरिड हर टू द वर्ल्ड ऑफ दे कॉल्ड देयर बेडरूम, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली किसकी बात हो रही है कि उसने उसको उठाया और कैरी टू द वर्ल्ड ऑफ दे कॉल्ड देयर बेडरूम। तो यहां पर एक मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ के प्लेजर की इसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम हैप्पीनेस से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए और एक्सट्रीम हैप्पीनेस से रिलेटेड जो वर्ड है वो है एक्सटेसी, ठीक है। एक्सटेसी यहाँ पर आ सकता है। सेकंड हम देखते हैं, नो प्रॉफेट इट वाज डिक्लेयर कुड स्पीक, देखिए स्पीक इन एक्सटेसी, स्पीक इन एक्सटेसी भी एक फ्रेज होता है, तो इसलिए एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, ठीक है, एक्सट्रीम प्लेजर, तो इसलिए एक्सटेसी जो है यहाँ पर सही वर्ड है। हैप्पीनेस उतना प्रॉपर नहीं है, इव्यूलियंस भी उतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि स्पीक इन एक्सटेसी ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेंशन ऑफ लिड्स हैज़ लेड अस टू एंटिसिपेट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड वी मस्ट टू 1836 व्हेन द एक्वेंटेंस बिगेन। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं कि वी मस्ट, मस्ट के बाद यहाँ पर एक तो आपको वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और यहाँ पर अब एक सन दिया हुआ है 1836, यहाँ पर इस सन को, इस सन तक वापस जाने की बात हो रही है, ठीक है। वी मस्ट गो बैक टू 1836, वी मस्ट गो बैक टू 1836, यदि आप गो बैक यहाँ पर लगाएं तो इसका सही सेंस निकलेगा, ठीक है, हमें वापस जाना चाहिए 1836 में, व्हेन द एक्वेंटेंस बिगेन। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना, परिचित होना किसी चीज़ से, ठीक है। और इसको देखते हैं, द नेशन वुड नेवर एक्सेप्ट अ कैथोलिक किंग स्टुअर्ट। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है नॉर,
मतलब यहाँ पर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि नेशन जो है वो ना तो एक्सेप्ट करेगा ना उस चीज़ को, यहाँ पर एक्सेप्ट का उल्टा वर्ड चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर और ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, एवर्ट का मतलब क्या होता है, अवॉइड होता है एवर्ट का मतलब, कन्वर्ट का मतलब बदलना, ठीक है। और गो बैक के लिए जो सही वर्ड है वो है रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब है गो बैक टू द अर्लियर सिचुएशन। तो यहाँ पर सी जो है ये सही आंसर है, रिवर्ट। और रिवर्ट के बाद वैसे भी हम टू लगाते हैं, तो उस सेंस के हिसाब से भी रिवर्ट यहाँ पर सही है। एवर्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, उसको बचाना किसी चीज़ से, कन्वर्ट का मतलब बदलना, काउंटर स्ट्रोक मतलब आक्रमण करना किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो काउंटर स्ट्रोक यहाँ पर सही नहीं है। रिवर्ट के बाद टू भी आता है, तो उस हिसाब से रिवर्ट यहाँ पर सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस इंटीग्रेटेड टारगेट बैच के बारे में बताऊंगा। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेरा टारगेट बैच है, जिसमें मैं बैंक पीओ के लिए, आरबीआई के लिए, कैनरा बैंक के लिए, इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए, बैंक पीओ लेवल का इसमें मैं पढ़ाता हूँ। इसमें प्री का, मेंस का, जीडीपीआई का और करंट अफेयर्स इसमें पढ़ाया जाता है। 1 साल की वैलिडिटी रहती है इस कोर्स की। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे इसके लिंक्स मिल जाएंगे और इस कोर्स को आप देखेंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। इसको आप लैपटॉप पर, मोबाइल पर, पीसी पर आप देख सकते हैं। और ये है मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर। तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं बैंक पीओ एग्ज़ाम में और ट्रिक बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, दिस वॉज द ऑफ माई हैप्पीनेस फ्रॉम विच आई वॉज इन ए लिटिल वाइल डैश टू अर्थ। देखिए हैप्पीनेस की क्या चीज हो सकती है, दिस वॉज द ऑफ माई हैप्पीनेस, ये मेरे हैप्पीनेस की चरम सीमा थी, क्योंकि हैप्पीनेस का लोएस्ट पॉइंट तो होगा नहीं, हैप्पीनेस का तो केवल हाईएस्ट पॉइंट ही हो सकता है, लोएस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। इसलिए कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए। द रिकॉल्ड पार्लियामेंट सीम्ड एट द ऑफ पावर। अब एट द के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है यहाँ पर, एट द के साथ, ठीक है। एट द के साथ जो वर्ड जुड़ेगा वो होगा पिनेकल, एट द पिनेकल। एट द पिनेकल एक फ्रेज है, एट द पिनेकल ऑफ पावर मतलब ही रिकॉल द रिकॉल पार्लियामेंट सीम्ड एट द पिनेकल ऑफ पावर। पिनेकल एक्चुअली बोलते हैं किसी चीज का चरम बिंदु या हाईएस्ट पॉइंट या वर्टेक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऐसा लगता था कि वो पावर के पिनेकल पे है, पावर के हाईएस्ट पॉइंट पे। प्लिंथ इसका उल्टा है, प्लिंथ का मतलब होता है एकदम बेस। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं पिनेकल ऑफ माई हैप्पीनेस मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई हैप्पीनेस, और यहाँ पर एट द पिनेकल भी सही वर्ड है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पिनेकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द सीडेटिप पुट हेलन इन ए स्टेट ऑफ। सीडेटिप क्या होता है, सीडेटिप से कोई व्यक्ति है एक्चुअली जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं उनको ये दिया जाता है सीडेटिव। सीडेटिव से एक व्यक्ति शांत हो जाता है, उसको नींद आने लगती है। व्हेन द सीडेटिव पुट हेलन इन ए स्टेट ऑफ, सीडेटिव जो होगा वो हेलन को किस हालत में ले जाएगा, इन ए स्टेट, स्टेट ऑफ, इन ए स्टेट ऑफ। देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, अच्छा ये भी है इसमें एक्चुअली, रैप्चर, शॉक, कन्फ्यूजन, थॉट, फ्रीज। कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, थॉट मतलब डिस्करेज, फ्रीज नहीं हो सकता, इन ए स्टेट ऑफ फ्रीज एक्चुअली नहीं बोल सकते। इन ए स्टेट ऑफ फ्रीज है, यदि यहाँ पर आप लगाते भी हैं तो यहाँ पर फ्रीज वर्ड नहीं आएगा। जॉन इज ए स्पिरिचुअल मैन हु क्लेम्स ही एक्सपीरियंस्ड फ्रीज, उसने फ्रीज को एक्सपीरियंस किया, कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर फ्रीज का। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हो सकता है रैप्चर, रैप्चर एक्चुअली बोलते हैं एक्सट्रीम प्लेजर को। तो सीरियटिप से एक व्यक्ति शांत हो जाता है और प्लेजर को फील करता है, तो इसलिए रैप्चर यहाँ पर सही वर्ड है। शॉक नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, थॉट नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा। एलिमिनेट करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एकदम सही कर सकते हैं, क्योंकि शॉक, कन्फ्यूजन, थॉट और फ्रीज का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। सीरियटिप जो इफेक्ट होता है उसका एक 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 काम इफेक्ट होता है उसका, एक कूलिंग इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो सीडेटिप का इक्विवेलेंट जो है वो रैप्चर यहाँ पर सही है। देखिए ये कुछ इडियम्स के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम जो कल होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। आई कांट अफोर्ड
द पर्स। इस पर्स को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका रीजन क्या है? इट कॉस्ट एन आर्म एंड एन लेग। यदि कोई व्यक्ति, सपोज कोई सामान आप खरीद रहे हैं और कोई व्यक्ति बोलता है कि इसके लिए मैं आपका एक हाथ लूँगा और एक पैर लूँगा, क्या आप दे देंगे उसको? इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है? तो फिगरेटिव सेंस में इसका मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, यानी बी यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है? इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन हैज़ बीन प्रॉमिसिंग टू पेंट द हाउस फॉर 5 ईयर्स, मे बी व्हेन पिक्स फ्लाई। देखिए, पिक्स जो होते हैं वो क्या कभी फ्लाई कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब पिक्स फ्लाई करेंगे, ठीक है? तो व्हेन पिक्स फ्लाई का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कभी भी घटित नहीं होगी, दैट विल नेवर हैपन। तो इसका आंसर होगा समथिंग दैट विल नेवर हैपन, सी इसका करेक्ट आंसर है, व्हेन पिक्स फ्लाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट रियली लाइक गोइंग आउट टू बार्स एनी मोर, आई ओनली गो वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है? तो वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब होता है? वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार जो कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ब्लू मून जो है वो एक रेयर इंसिडेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब होगा एन इवेंट दैट हैपेंस सेल्डम, जो कभी कभार होती है उसको हम बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सॉरी आई कांट कम इन टू वर्क टूडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इफ यू आर फीलिंग अंडर द वेदर, क्या मतलब है इसका? फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो इसका सही आंसर होगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दे ट्राइड टू कट कॉर्नर्स व्हेन इंस्टॉलिंग द पाइप्स फॉर द हाउस एंड नाउ वी हैव लीक्स ओनली 1 मंथ आफ्टर परचेजिंग इट। देखिए, कट कॉर्नर्स का मतलब किसी काम को बेकार तरीके से करना, चीप तरीके से करना, जल्दबाजी में करना ताकि पैसा बचाया जा सके। एक सेंस ये भी होता है कि पैसा बचा के काम को बेकार तरीके से करना, या काम को जल्दबाजी में कैजुअल तरीके से बैडली और चीपली करना, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स, ठीक है? इसका आंसर होगा टू डू समथिंग बैडली और चीपली। तो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस आपसे IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट मुझे भेजें। और यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.examinee.in इस वेबसाइट पर आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।